कांग्रेस हिमाचल प्रभारी हिमाचल के दौरे पर है। उन्होंने आज इंदिरा गांधी की जयंती पर रिज मैदान पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज किसानों की जीत हुई है, किसान आंदोलन के आगे मोदी सरकार झुक गई है। राजीव शुक्ला ने कृषि कानून पर सरकार के निर्णय को किसानों की जीत बताया। उन्होंने कहा कि किसानों के बलिदान पर सरकार को किसानों से माफी मांगनी चाहिए। सरकार को ये निर्णय पहले लेना चाहिए था, हार के बाद अब सरकार जागी है। शुक्ला ने कहा कि हिमाचल में जीत कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत का प्रतिफल है। उन्होंने कहा कि 2022 में हिमाचल में कांग्रेस सरकार बनाएगी। देखिए, किसानों ने आज सरकार को झुकने पर मजबूर किया। साल भर से ऊपर से किसान आंदोलन कर रहे हैं, कितने किसान मारे गए, कितनी तकलीफें हुई उनको, कितना कष्ट हुआ। आखिर सरकार को जब यही करना था पहले कर देते, किसी की बात नहीं मानी, हठ में बैठे रहे। आज झुकना पड़ा किसानों के आगे, और जो विपक्षी दल थे उनकी मांग के आगे झुकना पड़ा। लेकिन इसमें किसान तमाम शहीद हो गए, कितने लोगों का नुकसान हुआ। तो ये जो है, ये कदम सरकार अगर पहले ले लेती तो बहुत अच्छा था। और किसानों के हित के लिए कांग्रेस लगातार संघर्ष करती रहेगी। आज के जितना भी जरूरी होगा संघर्ष हम करते रहेंगे। नतीजे आए, उपचुनाव के नतीजे आए, तब सरकार को समझ में आया। उन्होंने पेट्रोल डीजल भी कम किया और ये सब भी करना पड़ा किसानों को। सब नेताओं की एकजुटता का हिमाचल प्रदेश में क्या क्या भविष्य देखते हैं 2022? नहीं, हम निश्चित रूप से जो है विधानसभा का चुनाव चुनाव जीतेंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पिंदर चौधरी की रिपोर्ट। या तो रख सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा। गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।